न्यूज चैनल। जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर के रामपुरा बिजली घर पर जेई की हरधर्मिता एवं विजिलेंस की छापेमारी से आक्रोशित भाकियों ने पंचायत में किया धरना प्रदर्शन। हम आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर बाद जनपद अमरोहा के थाना सैद नगली के रामपुरा बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पंचायत आयोजित की, जिसको धरने का रूप देकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहां धरने को संबोधित करते हुए भाकियू नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि रामपुरा बिजली घर पर तैनात अवर अभियंता द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा है। बिजली घर में उजारी 132 केवीए बिजली घर से पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, किंतु जेई की हरधर्मिता के कारण रामपुरा बिजली घर से किसानों के लिए कम वोल्टेज दिए जा रहे हैं, जिससे ट्यूबवेल भी आधा पाइप पानी दे रहा है और किसानों की फसलें सूख रही हैं। ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराते हुए लो वोल्टेज की समस्या दूर कराई जाए। उन्होंने कहा कि विजिलेंस द्वारा हर गांव में विद्युत चोरी के छापे मारे जा रहे हैं, जिसमें जिन किसानों के पास कनेक्शन है उन्हीं के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं और मौके पर कोई चेकिंग रिपोर्ट नहीं भरी जा रही है और पहले छापेमारी कर सौदेबाजी की जा रही है, जिससे सौदेबाजी नहीं पड़ती है उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। अधिकांश झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं और ऊना दूना लोड दिखाकर चेकिंग रिपोर्टर भरकर मुकदमा कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर यह जल्द निराकरण नहीं किया गया तो किसान बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि पिछले 8 माह से किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार किसानों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कृषि कानून वापस कराने के लिए सितंबर में होने वाली राजधानी में किसानों की महापंचायत में संभल क्षेत्र से अधिक गांव में घूमकर तैयारी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर हाजी तालिब, वेद प्रकाश, अकरम अली, मनोज कुमार, वासिफ अली, अनिल कुमार, मुजम्मिल हुसैन, फरमान हुसैन, वसीम अशवा, ऋषिपाल सिंह, अतुल कुमार, महेंद्र सिंह, शोभित चौधरी, रोहित चौधरी, अंशुल आदि मौजूद रहे। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं कोर जिला महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन से। आज जो धरना कर रहे हैं इसके बारे में बताइएगा। धरना क्या, इसमें स्थिति यहाँ रामपुरा बिजली घर की खराब हो रही है। यहाँ जो भी अधिकारी है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सबको रिश्वत चाहिए। अभी एक किसान आया ट्रांसफार्मर बदलवाने की, सरकार कह रही है खेत में ट्रांसफार्मर पहुंचेगा, 19-12 पे कॉल करो, तो कह रहा कागज जब दूंगा पहले 5,000 रुपये दे। अभी आएगा वो किसान, बोलेगा भी बताएगा कल आएगा। अभी ये जो धरना चल रहा है ये किस लिए चल रहा है? ये इसलिए चल रहा है वोल्टेज नहीं जा रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने ट्रांसफार्मर हैं इनकी टैप पोजिशन 7 होती है, 4 पे ये चलते हैं, कम से कम 6 पे भी चला लो, 5 पे भी चला लो, जिससे वोल्टेज बढ़ जाते हैं। लेकिन रामपुरा बिजली घर के ट्रांसफार्मर की टैप पोजीशन 2 पर है, जो कि घटा रहा है वोल्टेजों को बढ़ाने की बजाय। उजारी 132 बिजली घर से 11,000 में 10,000 वोल्टेज आ रहे हैं, तो 10,000 आगे जाने चाहिए, लेकिन आगे जो भेज रहा है 440 में मात्र 300 वोल्टेज 250 वोल्टेज भेज रहा है। इसके शिकायत कही थे किसी से? शिकायत करी, यही कह रहा मैं मालिक हूँ यहाँ का, नहीं करता मैं तो, मेरी मर्जी। तो अब क्या चाहते हैं? अब बैठे हैं, इसे टैप पोजीशन को बढ़वाएंगे, वोल्टेज चाहिए हमें। वोल्टेज का झगड़ा और क्या हमारा? अब कैसे बुलाना चाह रहा है ना? बुलाने की जरूरत ना, ये बैठे हैं धरने पर, जब सड़क पर बैठेंगे 6:30 बजे चले आएंगे। अच्छा। बुलाएंगे थोड़ा ही ना। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए हसनपुर से बिलाल बाकरी की रिपोर्ट। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया अपने दर्शकों से निवेदन करता है कि जब बहुत जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अपना ध्यान रखें और अपनों का ख्याल रखें, मास्क का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।